Hello, your class. You all are welcome to my YouTube channel. Students, today I am going to explain part 4th of chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Hopefully, आपको तीनों पार्ट्स इसके अच्छे से समझ में आ गए होंगे. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तीनों पार्ट्स, तो बच्चे मेरे YouTube चैनल पर जा कर के इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. बच्चों, इसमें आपने देखा कि कैसे किस तरीके से बिपिन चौधरी नाम का एक व्यक्ति है और उनकी जो है एक व्यक्ति आके कि किस तरीके से उनको कंफ्यूज कर देता है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भूल चुके हैं, पार्ट भूल चुके हैं. 1958 की घटना को याद दिलाते हुए कई बार उनको ऐसे क्वेश्चंस कर देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं. और किस तरीके से वो डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर वो रांची जाने का डिसाइड कर लेते हैं कि वो वहाँ जा कर के जब डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आपको वहीं जाना चाहिए जिससे कि आपको जो है कुछ घटनाएँ याद आ जाएँ. तो बच्चों, नाउ लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 4th. बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 4th, आई वुड लाइक टू से यू, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई वीडियोज़ फॉर माई अपकमिंग अपडेट्स. एंड स्टूडेंट, एक बात और कहनी है. बच्चों, आप इतने सारे बच्चों मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, तो बच्चों कम से कम एक लाइक तो ज़रूर दिया करो और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिख के ये बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी. कुछ कमियाँ लग रही हैं तो बच्चों ये भी बताइए, जिससे कि फीडबैक मिलता रहेगा तो हम अपनी वीडियोज़ में सुधार करके आपके पास पहुँचाते रहेंगे. होपफुली बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो सारे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, जिससे कि आपके पास वीडियो पहुंचती रहे. और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जैसे ही अपलोड हो वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए. और बच्चों, मोटिवेशनल सपोर्ट के लिए कि टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है. और बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए जिससे कि सारे बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देख सकें. जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इसको शेयर करिए. Now let us start the explanation of part 4th. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे ही अगली सुबह वो रांची पहुँचे, उन्हें यह एहसास हो गया कि वो पहले कभी रांची नहीं गए हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वे स्टेशन से बाहर आए और उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और कुछ देर तक वो शहर में इधर उधर घूमते रहे. He realized, उनको महसूस हुआ that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. उनको ये बात कर रियलाइज हो गया कि उनको उन जितनी भी बाजार हैं, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, वो उनसे बिल्कुल अपरिचित थे, कोई भी बात उनको याद नहीं आ रही थी. Would a trip to the Hodru Falls help? फिर उनको लगा क्या हजूर नदी के पास जाना चाहिए उनको, क्या वो उनकी कुछ हेल्प करेगी. ही डिड नॉट बिलीव सो, उनको विश्वास नहीं हो रहा था. लेकिन उनको फिर यह एहसास हुआ कि जब वो यहाँ तक आए तो एक बार हुडलू नदी पर भी जाना चाहिए, जिससे कि उनके मन में ये मलाल ना रहे कि वो वहाँ तक गए थे, शायद वहाँ जाते तो उनको कुछ याद आ जाता. बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद अ फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि इस बात के साथ वो वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने कोशिश नहीं की. सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुडलू इन द आफ्टरनून. उन्होंने दोपहर में एक कार को अरेंज किया और हुदरू जाने का डिसाइड किया. आगे देखेंगे. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुदरू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बॉर्डर. हुदरू में उसी दिन शाम 5 बजे पिकनिक मनाने आए 2 गुजराती लोगों ने एक स्तंभ के पास बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस पाया. बेहोश थे वो. और जब उन्हें होश आया, वैन ही केम अराउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड, तो उनके मुँह से सबसे पहली बात यही निकली, आई एम फिनिश्ड, कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ. देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब मेरे अंदर कोई भी आशा की किरण नहीं बची है. अब वो आगे देखेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि उनके लिए वास्तव में कोई उम्मीद नहीं बची है. इस कारण से वो अगले दिन सुबह ही कलकत्ता वापस आ गए. एंड सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, और जल्दी सारा कुछ भूल गए. हीज विल टू वर्क, और उनको लग रहा था कि वो अपनी याददाश्त भूल रहे हैं. ही इज़ कॉन्फिडेंट, उन काम करने का उनको जो आत्मविश्वास था. हीज एबिलिटी, उनकी योग्यता. द बैलेंस ऑफ माइंड, दिमाग का जो संतुलन होता है. वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द
एसिलम एट, और उनको लग रहा था जैसे कि वो धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। बिपिन बाबू को नॉट थिंक एनी मोर, इससे ज़्यादा वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम, और जब वो घर वापस आए, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और जब वो वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर चंदा को बुलाया और कि कहा कि आप आइए। देन आफ्टर अ शावर, जब वो स्नान कर चुके थे, ही गॉट इन टू द बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, सिर पर बर्फ़ का एक बैग लेकर के, जो बैग होता है ना बच्चों, जैसे गर्म पानी की सिकाई करते हैं ऐसे ही ठंडे बर्फ़ की भी सिकाई करते हैं, तो एक बोतल में उन्होंने ठंडा बर्फ़ भरा और उसको सिर पर रख कर के बेड पर आराम करने के लिए चले गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, और जैसे ही वो अंदर गए तभी पीछे से उनका सर्वेंट आया और उसने कहा कि कोई लेटर बॉक्स में इस लेटर को छोड़ गया है। एक ग्रीनिश एनवलप, वो ग्रीन कलर का एक एनवलप था विद द नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उसके ऊपर लाल कलर के पेन से उनका नाम लिखा हुआ था। देखो पिक्चर में आपको दिख भी रहा है ना बच्चों, वो लेटे हुए हैं, उनका सर्वेंट उनको लेटर दे रहा है। अब हम आगे देखेंगे। अबव द नेम इट सैड, और नेम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटल, कि बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंटल मतलब गोपनीय है, कि कोई और इस पत्र को खोलकर ना पढ़े। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी उन्होंने लेटर को पढ़ने का डिसाइड किया। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने किनारे टोर मतलब फाड़ना, एनवलप को साइड से किनारे से फाड़ा और वहाँ उसमें से लेटर निकाल लिया। दिस इज़ वॉट ही रीड, अब जो उसमें लेटर में लिखा हुआ था वो इसमें आपको दिखाई देगा। देखिए पत्र लिखा हुआ पूरा दिखाई दे रहा है। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, कि मेरे को इस बात की अंदाज नहीं था कि एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, जितना तुम्हारे पर इस बात का प्रभाव हुआ, इस बात का मुझे एहसास नहीं था कि वॉट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, कि किसी अपने पुराने मित्र की मदद करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, कि मुश्किल था कि आई हैव नो मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं थे, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे पास केवल सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरी जो संसाधन थे वो भी बहुत लिमिटेड थे, सीमित मात्रा में थे। वाइट आई हैव इज इमेजिनेशन, और मेरे पास क्या थी, तो सिर्फ कल्पनाएं थी, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंगली बिहेवियर, और मेरे पास जो कल्पनाएं थी उन्हीं कल्पनाओं में से मैंने एक निकालते हुए तुम्हारे ऊपर इसका एक एक्सपेरिमेंट किया है, और किस लिए किया है, तुम्हें इसकी सजा देने के लिए, ऑफ योर अनफीलिंगली बिहेवियर। द मैन इन न्यू मार्केट इज़ द नेवर एंड एक्वेटेंस ऑफ माइंड एंड ए केविल एक्टर, जो तुमको एक व्यक्ति मिला था वो मेरा एक पड़ोसी था, और नए बाज़ार में मिला व्यक्ति मेरा पड़ोसी और परिचित भी था, एंड ए कैपेबल एक्टर, और एक योग्य एक्टर है, हु प्लेड द पार्ट आई रॉट फॉर हिम, जिसके लिए मैंने एक पार्ट लिखा जो उसने तुम्हारे साथ प्ले किया। दिनेश मुखर्जी हैज़ नेवर बीन पार्टिकुलरली वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, और दिनेश मुखर्जी भी कभी तुम्हारा ज़्यादा अच्छा मित्र नहीं रहा है। दिनेश मुखर्जी के बारे में बता रहे हैं, हो सकता है उन्होंने उनकी भी कभी हेल्प नहीं की हो। वेल सो ही वाज क्वाइट विलिंगली टू हेल्प, अतः वह भी मदद करने का इच्छुक था, और उसने भी मतलब उनकी हेल्प कर दी। जो दूसरे वाले मित्र थे चुन्नीलाल, ये पत्र बच्चा चुन्नीलाल ने लिखा था, तो उसमें दिनेश मुखर्जी ने भी चुन्नीलाल की हेल्प करी, क्योंकि वो भी उनको किसी बात का मजा चखाना चाहते थे। एज फॉर द मार्क ऑन योर नी, और जो तुम्हारे घुटने पर चोट का निशान है, यू वी श्योरली रिकॉल दैट यू ट्रिप्ड ऑन ए रॉक इन चंदपाल घाट बैक इन 1939, तो 39 है बच्चों, 1939 में तुम जब वहाँ रस्सी चढ़ रहे थे चंदपाल घाट पर, तो वो चोट तुम्हारे लगी हुई थी, उसी पर चोट का निशान है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, और मैं कहता हूँ तुम फिर से ठीक हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाई ए पब्लिशर,
और मैंने ये एक नॉवेल लिखा है और एक प्रकाशक ने इसको मंजूरी भी दे दी है। होपफुली यदि वह इसे पसंद करता है तो अगले कुछ महीनों का साधन बना रहेगा। इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाई ए पब्लिशर इफ़ यू लाइक्स इट इनफ, अगर अच्छे से उसको पसंद आएगा। इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और तो इससे इसके मिलने से जो पैसे मिलेंगे इस नॉवल के बदले में उससे मेरे कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा। योर चुनीलाल, तुम्हारा चुनीलाल। तो बच्चों उसके दोस्तों ने मिलकर ये उसके साथ शरारत की थी विपिन चौधरी के साथ। आई जस्ट थिंक अगर आपको किसी की हेल्प करनी तो आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन कभी भी कोई अगर आपकी हेल्प ना करे तो बच्चों हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपनी, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो इसकी ज़िम्मेदार बच्चों हमारा सामने वाला व्यक्ति तो नहीं है, उसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। हम अपने, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों अगर हमसे कुछ बन पाए तो हमें सामने वाले की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। होपफुली ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो बच्चों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।